अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। तो आज का मज़ेदार व्लॉग, हम रात के 1:06 हो चुके हैं और हमने अभी ऑनलाइन बर्गर मंगवाए हैं कुछ, वो लेने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लेने के लिए जाएंगे गढ़वाल, तो यहाँ से अभी जाएंगे। बिल्कुल अंधेरा, देखें कोई बंदा बंदे की साथ नहीं है। ऑनलाइन मंगवाया है, जो डिलीवर वाले भाई है ना वो आने वाले हैं गढ़वाल स्टॉप के ऊपर, जो है ना कुत्ते वाली कार के हमारे देने आ रहे हैं। और हमारे साथ मीरू भाई, काशान भाई, इधर से जवाद भाई आए हुए हैं। तो अभी बस रवाना होती है। हमने ऊपर कपड़ा खा लिया क्योंकि आज बारिश काफी तेज है, फिलहाल रुकी हुई है। कपड़ा ऊपर मैंने इसलिए किया था कि बारिश अगर तेज हो तो मेरे ऊपर ना है कहीं। खैर सारे भाई तैयार हैं, इन्होंने भी चादर की हुई है और बाकी जो हमारे पिछले दो दोस्त हैं उन्होंने छतरी की हुई है। फिलहाल रवाना हो चुके हैं बिल्कुल अंधेरे के अंदर। हमें इस टाइम किसी ने देख लिया ना उसके मुँह से एक ही निकलेगा, पटवाए में असल में प्लान किसका था? प्लान भाई साहब ये इस बंदे का था, ये जो हरियाणा जवाद भाई थे, इनका प्लान है कि भाई साहब कुछ मंगवाओ खाना खाने के लिए, फास्ट फूड। इन्हें बहुत सख्त किस्म की भूख लगी हुई थी, फिलहाल सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र है जो हम करके जाएंगे गढ़वाल स्टॉप के ऊपर, वहाँ से लेके आएंगे अपना खाना। गली जो है भाई साहब बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, कोई बंदा बंदे की जात नहीं है और बस हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देखें जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ आप लोगों को नज़र आ सकता है कि भाई बारिश हो रही है, बाकी जो है गली सारी सुनसान पड़ी हुई है। बस हम ही जा रहे हैं चार बंदे बस। अगर रास्ते में कोई किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया ना तो वो भाई पक्का समझेगा नगेट जा रही है, क्योंकि हम जिस होलिये में जा रही है वो भी बस ऐसी ही है। मैंने खेड़ियाँ पहनी हुई है, इन्होंने मेरी चप्पल पहनी हुई है, ये अपने घर से चप्पल पहन के ही नहीं आए थे भाई। नंगे पाँव आए नहीं, नंगे पाँव तो खैर नहीं आए थे आप, ये दूसरे वो जो शूज़ होते हैं ना कैजुअल वाले वो पहन के आए थे। और भाई इधर हवा भी काफ़ी तेज़ है क्योंकि हम गली से बाहर निकले हैं ना, आबादी ख़त्म हो गई है तो हवा काफ़ी तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा सारी सर्दी भी है। तो फिलहाल अपना सफ़र वही कंटिन्यू करते हैं, दुआ करें हम पहुंच जाएं और हमारे बर्गर शर्गर हमें नसीब हो जाएं। भाई भाग के हो, भाग के हो, भाग के हो। ये देखिए पानी कितना ज़्यादा हमें रास्ते में मिले, जूते सही टाइट हो गए हैं। हाँ भाई जवाद भाई, मेरे तो वाटर प्रूफ थे, ये मीरू भाई के शूज़ है जो ये जाती कर देना हो, ये वाला खाना सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वैसे आप लोगों ने सुना होगा भाई खाना खाया वह भूल जाता है, लेकिन ये वाला खाना जो होगा हमेशा याद रहेगा। आगे देखें भैया जी बिल्कुल अंधेरा है, कोई नहीं साइड से देखो, इधर पानी है नीचे। मेरी प्यास बुझाने वाले, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ भाई सिंगर भाई भी जा रहे हैं, लाइट एक अदद उठाई हुई है और आगे भी कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। क्या हुआ? सुसु है यार, इसको रात के सुसु आके यार नहीं, मुझे बात बताएं सुसु बता क्या है? नहीं फिर भी आप नहीं करते यार, देखो डर इतना होना चाहिए कि सुसु जो ऊपर चढ़ जाए, ऊपर ऊपर चढ़ जाए, डर इस बात के भाई बिल्कुल सुनसान जगह है। क्या यार आप क्यों कर रहे हो? आज पहला बाइक हमें मिल गया, देखते आज कितनी गाड़ियां या कितने बाइक आते हैं। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं होगा भाई, फिलहाल बाइक आगे से आ रहा है, वो देखें एक अदद बाइक भी आ रहा है आगे से। और यार जो बाइक वाले भाई थे ना वो हमारे पहुंचने से पहले ही गली में मुड़ गए हैं। टोर दिखाओ, टोर दिखाओ, ये देखो जी, आहा क्या यार, ये शमीर भाई के शूज है, जितने खराब कर सकते हो करो जी। बस दुआ करें बारिश तेज हो, दुआ करें घर में से भी बाहर ना निकले और हमें मेरू यारा बात सुन जी, रात को कुत्ते भी होती हैं पता है, कुत्तों का इंतजाम है ना जी हमारे पास, जवाद भाई लाए हैं ना, उनको बोली आती है, जवाद भाई कुत्तों की बोली आती है, शमीर भाई से सीखी है। शमीर शमीर भाई आप तो टीचर निकले हैं भाई। और ये बड़े मीनार वाली मस्जिद है, ये देख ये दूसरे बाइक वाले हमें मिले हैं रास्ते में, पता नहीं गली से निकले, इसकी शार्ट हुए होंगे। वो कहेगा चोर आ गए। तो खैर भाई वो भगा के ले गए और यार अब शुक्र है आगे लाइटें वगैरह आई हैं, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था, हमें समझ ही नहीं आ रही थी नीचे इतना ज्यादा सारा पानी था, हम पानी में घुस गए थे। ये बात भाई को पेशाब करने की जगह मिल गई है, सुसु मुसु करने के लिए रुके हुए हैं ये खड़े, ये देखिए आ रहे जवाब जवाब भाई, हो गया सुकून है और जिलो। खैर भाई हम पहुंच जाए रेलवे लाइन के पास, ये कीचड़ भी शुरू हो चुकी है। ये है भाई सब रेलवे लाइन, ये देखें जवाद भाई पीछे रह गए थे, कहते हैं लाइट लगाओ मैं क्रॉस करूं। तो फाइनली मैं पक्की जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे अब पानी वाली कोई कीचड़ वाला कोई अब
मसला नहीं है कि हमें डर नहीं है कि आगे कीचड़ होगी। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जवाद भाई जो है रिसालपुर अकेडमी में पढ़ती हैं, तो वो ये कह रहे थे कि यार अगर यहाँ से मैं जाऊँ ट्रेन के ऊपर तो मैं पिशावर पहुँच सकता हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल आप पहुँच सकती हैं। मैं जवाद भाई की वजह से काशान भाई और मीरू भाई से पीछे रह गया हूँ, शमीर भाई और वो दोनों आगे जा रही हैं, मैं और जवाद भाई जो है पीछे रह गए हैं थोड़ा, बस उनके पास पहुँचते हैं जल्दी से। और गढ़वाल स्टाफ जहाँ पर हमारा वो डिलीवरी बॉय आने वाला है उसके पास भी पहुँच आई हैं, तो मुझे लगता है उन्होंने हमें 50 मिनट का टाइम दिया था, तकरीबन हमें आधा घंटा लगे, वो भी उम्मीद है आगे होंगे। ओए पानी फिर आ गए। फाइनली यार हम गढ़वाल स्टाफ भी पहुँच आए हैं, एक अदद हमें गाड़ी भी मिली है, जब से आए हैं हमें दो बाइक और एक गाड़ी मिली है जो कि अभी जा रही थी। और फाइनली हम गढ़वाल स्टाफ पे भी पहुँचे हैं। गढ़वाल स्टाफ भाई साहब ये वाला है, यहाँ पे ही हम बैठेंगे, जो हमारा राइडर है वो यहीं पे आएगा। क्या क्या देख रहे हो? बिल्ली नहीं कैट, कहते हैं इस रेड़ी के नीचे बैठी थी ये, पता नहीं स्टाफ के साथ किसने रेड़ी लगाई हुई है, तो कहते हैं इधर नीचे बैठी हुई थी। खैर कोई नहीं बैठी हुई। हाँ भाई कैसा रहा फिर सफर, मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत मजा आया जी। हाँ भाई हम डंकी लगा रहे हैं, तुर्की क्रॉस कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह अगला हमारा पुर्तगाल हम जाएंगे। अभी एक अदद बाइक भी आ रहा है भैया जी यहाँ से, अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे, डिलीवरी बॉय हो डिलीवरी बॉय हो डिलीवरी बॉय हो भैया जी। ये भी कोई और है यार, वो उधर आगे चला गया, मेरे कोई बंदे जा रही हैं, ये ऐसे देख रहे हैं बेसब्री से कि हमारा राइडर होगा। देख रहा हूं कोई जानने वाला तो नहीं है। क्यों मेरे भाई की बहुत तालुकात, बिल्कुल बहुत तालुकात, ईरान तक रिसालपुर कैंट तक तालुकात, रिसालपुर तक भी है ये वाला भाई है रिसालपुर से। बड़े तरसी हुई निगाहों से हर बाइक को देख रहे हैं कि हो सकता है राइडर आए। और सर्दी बढ़ती जा रही है भाई, बारिश हल्की हल्की हो रही है लेकिन ज़्यादा तेज नहीं हो रही। यार अभी हम स्टॉप पे पहुंचे हैं ना, टाइम हो गया तकरीबन देखें ये 1:26, 1:06 हम वहाँ से 1:06 पे वहाँ से निकले थे और 1:26 हो गया, मतलब हमें 20 मिनट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने तक कप्पे शप्पे लगाते हुए। बस अभी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से ना हमारा राइडर आ जाए और हमें चीज़ें दे दे। और बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है और हवा भी तेज़ हो गई है, यही बात है ना भाई, आंखों में लाइट ना मारे ना, मैं मारूँ ये बड़ी तेज़ लाइट है यार। यार यहाँ दूसरी बात है, बैठने की जगह भी नहीं है, बैठने की जगह है लेकिन इसके ऊपर सारा पानी गिरा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गीली है। फिलहाल जितनी देर भी हमें खड़े होना पड़ेगा। और दूसरी गाड़ी भी गुजर गई है भाई, तीसरी वो देखिए तीसरी गाड़ी आ रही है, तीसरी गाड़ी है क्या भाई? आईडी कार्ड नहीं क्या फौजी आ गया? एक बंदे के पास भी आईडी कार्ड नहीं है, ले जाइए हमारे सिंगर है फिर वो खाएंगे। शुक्र है पुलिस ही नहीं, पुलिस ही नहीं है। हम ऐसी जगह पॉइंट पे खड़े हैं, वैसे इधर दिन को हो ना, आपको जो बंदा नहीं है वो भी देखेगा, अभी इधर से जो गुजरता है या उधर से गुजरता है जरा सा भी पूछता भी नहीं, हाँ भाई क्यों खड़े हो, किस वजह से खड़े हो, कुछ भी नहीं। हाँ वैसे दिन को ये जगह बिल्कुल टनो टन फुल होती है भाई, बंदे आ रही होती है जा रही होती है, इधर कोई बंदा बंदे की जात भी नहीं है, और जो गुजर रहे हैं वो पूछ भी नहीं रहे कि भाई क्यों खड़े हो, कोई मसला परेशानी, उन्होंने मरना तो नहीं है, पागल तो नहीं है, हम लोग खड़े होकर पूछेंगे भाई क्यों खड़े हुए। फिर भी यार देखो एक जो एक कंडीशन है उसके दो पार्ट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अब बंदे बंदे के ऊपर है या वो पॉजिटिव चीज चूज करे या नेगेटिव चीज चूज करे। यार हमारे राइडर साहब आ चुके हैं बिल्कुल भीग चुके हैं, आपकी हिम्मत है यार, आप इतनी देर इतनी रात को भी हमें चीज पहुंचा रही हैं, कसम खुदा की बस नहीं तो हमें खाना इस टाइम कहाँ मिलता है भाई, तो बस हमारा एक खाना शाना निकालेंगे और फिर हम लेके निकलेंगे। इनके सब्र के पैमाने भी अब खत्म हुए। अच्छा और भी आप डिलीवरी लेके जा रहे हैं? और भी हिम्मत है यार, कसम खुदा की हिम्मत है, बस यकीन करें। और बाइक के ऊपर है और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है भाई, ये गर्म रखने के लिए भाई साहब ऊपर से कपड़ा भी, इसे क्या कहते हैं आप? वार्मर। वार्मर अच्छा, ये शॉपर नहीं है, ऐसी है तो ये ऐसे होते हैं। ओह माय गुडनेस, अब तो बारिश भी होगी भाई और ऊपर से है भी है कागज वाला। पर हमें हमारा जो ऑर्डर है ना वो मिल चुका है, लेकिन एक पोपट ये हो गया, पोपट ये हो गया कि हमने कोक ऑर्डर की थी लेकिन कोक हमें 1.5 लीटर नहीं मिली, तो वो लेके भी नहीं आई थी, तो वो फिर अपने कॉल कर रहे हैं, कॉल करके हमें बताएंगे यार हमें कोक नहीं मिली, तो कोक फिर एक और राइडर लेके आएगा, फिलहाल हमें फिर घर पर रुकना पड़ेगा। चलिए यार हमारी डिलीवरी जो है ना वो हमें मिल चुकी है, हमने इसमें पैक कर लिया। और दूसरी बात है हमारी जो कोक है ना वो नहीं आई, वो दूसरा राइडर लेके आ रहा है, हम उसका वेट कर रहे हैं वो जब तक है, लेकिन ये वाले भाई भी हमारे साथ ही खड़े हैं, वो आएंगे तो फिर ये चले जाएंगे। और इधर से हमारे पास एक बिल्ली भी एक अदद आ गई है, ये देखिए प्यारी सी, पता नहीं गोलू मोलू सी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, बहुत प्यारी है यार, काशान भाई इसके साथ खेलने में लगे हुए हैं। और इधर से एक कुत्ता शरीफ भी आए हुए हैं, और हाल चाल है
ये भाई साहब डर भी रहा है मेरे से। फिलहाल यहीं पे वेट करते हैं इन भाई के साथ जब तक हमारी कोक आ जाए। 1.5 लीटर कोक मंगवाई थी लेकिन वो साथ में, वो आएगी फिर यहाँ से लेके जाएंगे। और ये हमने गर्म रखने के लिए इसके अंदर चादर के अंदर रखा हुआ है। यार राइडर साहब वापस जाने लगे हैं और हमें बोतल के पैसे वापस दे दिए, क्योंकि कोशिश करेंगे वो कि हमें दे के चले जाएं। अगर ना हो पाया तो उन्होंने कहा कि आप पैसे आप लोगों के आपको वापस कर दिए। ओके जी अल्लाह हाफिज़। तो हम दोबारा वापस जाएंगे अपना सामान लेके, हमारा जो है वो मीरू भाई के पास है, मीरू भाई ने उठा लिया है और इसे लेके चले जी। बोतल लवर जो है वन एंड ओनली हमारे अंदर जवाद भाई है, जवाद भाई को बोतल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई साहब। चलें गाइस ठीक है फिर आप चलें। तो भाई ये हम अपना जो बर्गर वगैरह ना वो लेके हम चलते हैं घर की तरफ। असल में हमने जो ऑर्डर किया था वो बर्गर थे और साथ ही कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो खैर हमें नहीं मिली, कोल्ड ड्रिंक के पैसे उन्होंने हमें वापस कर दिए हैं और हम फिर लेके जा रहे हैं अपना बर्गर। वो कहते हैं कि अगर कोल्ड ड्रिंक का हो जाता है तो मैं वापस आप लोगों को दे जाऊंगा आप लोगों के घर। तो हमने कहा यार पहले अगर घर आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था कि हमें बाहर ही ना आना पड़ता। तो खैर कोई नहीं, हमें वो ये ज़्यादा ऑफर दे रही है क्योंकि वो साथ वो तो नहीं ले गया है। इन शॉर्ट उन्होंने नहीं आना नहीं आना, अभी से बता रहा हूँ। नहीं ये भाई जो जवाद भाई है ना अब उदास जा रहे हैं, असल में अब उदास जा रहे हैं क्योंकि इनकी फेवरेट बोतल जो है ना वो इन्हें नहीं मिली। तो खैर भाई अब सीधा घर चल के मिलते हैं, व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो रहा है तो सीधा घर पहुंचते हैं भाई। बारिश जो है ना अभी थोड़ी रुक चुकी है और हवा भी थोड़ी रुक चुकी है, बस घर पहुंचते हैं जल्दी से। अच्छा कुत्ता भी हमारे पीछे पीछे आया भाई, ये देखो ये जो उधर हमें स्टॉप पे मिला था ना ये भी पीछे पीछे आ रहा है इधर शॉप के अंदर, हमारे से छुप छुप के पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। यार टाइम हो रहा है तकरीबन 2:07, हमें ऑर्डर मिला है और अब वापस जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है मैंने कोई न्यू बर्न बेबी उठाया हुआ, अगर ये मुझे किसी ने इस तरह देख लिया इसके अंदर भाई बर्गर है। तो फाइनली यार घर पहुंच गए हैं, चादर उतारता हूँ। ये आपका भाई, भाई साहब प्यारा ये आप तो फाइनली यार आपका भाई आप यार रूम में चौपते कर यार अभी भी बोतल बोतल कर रहा है तो फाइनली यार आपका भाई अब निकला है, मैंने चादर उतार दी है। और आप लोग जो मेरे रेगुलर व्लॉगर होंगे रेगुलर व्यूअर होंगे वो तो समझ जाओगे भाई किसी और के घर में घुस। ये भाई दरवाज़ा भी नहीं बंद किया, तो जो रेगुलर दरवाज़ा भाई बंद कर देते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि यार आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यू चादर भी उठा लो, जो रेगुलर मेरे वीडियो देखते होंगे ना वो लोग के तो कह रहे होंगे भाई किसी और के घर में घुस आए हो। तो यार ये किसी और का घर नहीं है, ये खाला का घर है। तो हम थोड़े बंदे ज़्यादा थे तो हमने सोचा कि खाला के घर में आज स्टे करते हैं, चादर यहाँ पर रख दी है। और जो अपने पाँव छाँव हैं ना काफ़ी ज़्यादा सारे हमारे भीगे हुए हैं तो हम यहाँ सिलेंडर के ऊपर भाई अपने आप को थोड़ा सा टेम्परेचर अपना मेंटेन करती हैं फिर खाना शाना खाती हैं। सारा भीग चुका हूँ ये देखें, खेड़ियाँ भी सारी भीग गई हैं। तो यार मैंने कमीज जो गीली थी ना वो तो उतार दी है, बस खाना शुरू करते हैं। चलो जी निकालो अंदर से, आए इस आग के साथ बैठे हुए हैं सारे भाई और अभी एनएफसी अपना खाते हैं। बोतल को भाई ये बंदा बहुत मिस कर रहा है, बर्गर की एक दफा हालत चेक कर ये गोल होते और पता नहीं कैसे हो गए ये चीज भाई। तो भाई अब बिल्कुल खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो फाइनली यार खाना पीना हो चुका है और टाइम हो गया तकरीबन 3:30 का और अभी हम सोने लगे हैं और आज का मजेदार व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, मुझे दे इजाजत। चलो जी लाइट बंद कर दो। ओके अल्लाह हाफिज़।